लॉन्च में लॉकडाउन के दौरान आम जिंदगी थमी रही। पुलिस की जानिब से हर तरफ बंदिशें, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। खालसा एड गैर सरकारी तंजीम का इशार, 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के वक्फ, 5 जिला तरक्याती कमिश्नर के हवाले, 5 तंजीम के रजाकारों के पास रहेंगे, जो वक्त जरूरतमंदों को दस्तियाब किए जाएंगे। पहुँच के लिए सबसे पहले हम थैंक्स करना चाहेंगे खालसा एड्स का कि जिन्होंने हमें ये 10 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर यहाँ पे भेजे हुए हैं। तो ये जैसे कि डीसी साहब की उन्होंने रिक्वायरमेंट थी खालसा एड को कि हमें ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर चाहिए, तो ये हमारी जो टीम है खालसा एड की जम्मू से आज पूछ लेके आए थे। तो आज हमने 5 कंसेंट्रेटर जो है वो डीसी साहब के लिए, 5 हमारे पास है। 5 जो इसलिए हमारे पास है कि जो जैसे मान लो सिटी में किसी को जरूरत पड़ी है। पूंछ की नौजवान खिलाड़ी बाल किरण घर पर ही कर रही है प्रैक्टिस। कई बार गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी ने कहा कि घर के अंदर रहकर भी वो अपनी खेलों को रखे हुए है। जाद जैसे असों को पता है इस टाइम कोविड चल रहा है, तो हम सभी स्पोर्ट्समैन मिलके जैसे हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो सर हमें मोटिवेट करते हैं, नए नए तरीके बताते हैं अपनी गेम इम्प्रूव करने के लिए। तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होती है, तो हमको एक परफेक्ट वीडियो अपनी जो मिस्टेक्स की है ना वो निकाल के उनको सेंड करते हैं। तो हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आर्या समाज मंदिर में कोरोना के खात्मे के लिए किया हवन का एहतमाम। एहतियाती तदाबीर पर किया गया मुकम्मल अमल। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हवन किया है और परमपिता परमेश्वर से ये विनती की है कि ये जो कोरोना की महामारी है, इससे हमारे देश को, हमारे समाज को जल्द से जल्द निजात मिले और जितने भी हमारे भाई हैं। सेवा भारती और आयुष की जानिब से सुथरा बावड़ी में लगा गया मुफ्त तिबी कैंप। लोगों में कुवते मदाफिया बढ़ाने वाली अद्वियात की गई तकसीम। पुंछ यूनिट की तरफ से यहाँ आए हुए सभी का लोगों का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आयुष मंत्रालय की तरफ से ये जो टैबलेट आयुष 64 लॉन्च किया गया था,
जिसको जम्मू में हमारे गवर्नर साहब ने लॉन्च किया था और यहाँ पुंछ में भी हमारी खुशकिस्मती है कि पुंछ के लोगों के लिए ये। सुथावाली बावली मंदिर में 12 रोज से लगातार हवन जारी, कोरोना के खात्मे के लिए किया जा रहा है हवन। भी लिखा है जहाँ पे हवन हो वहाँ पे कम से कम एक महीना तक वातावरण शुद्ध रहता है, वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इस तरह से नहीं पनप पाता। इसीलिए हमने पिछले 12 दिन से यहाँ पे कंटिन्यूस हवन चल रहा है और ये गायत्री जाप का हवन चल रहा है। अपना सोशल डिस्टेंस वगैरह सारा मेंटेन करके दो दो तीन तीन आदमी बैठते हैं सिर्फ और ये हवन कर रहे हैं वातावरण शुद्ध। पुंछ के नौजवान घरों में बंद रह कर हो रहे हैं तंग, अब गली कूच में किया क्रिकेट खेलने का एहतमाम। यहाँ गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, उसका कारण ये है कि काफ़ी टाइम से हम घरों में लॉक थे, कोरोना के SOPs फॉलो कर रहे थे, तो आज हमने सोचा कि हमारी बॉडी काफ़ी देर से जो एक्टिवेट नहीं हुई है, हमारी मसल्स जो हैं बिल्कुल वर्क नहीं कर रही हैं, क्रैम्प्स पड़ रहे थे, उसके कारण हमने सोचा कि SOPs का फॉलो करते हुए कि हम गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। SRK ग्लोबल पीस फाउंडेशन के जरिए एहतमाम मुख्तलिफ इलाकों में चलाई जा रही है मुहिम, लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के सिलसिले में किया जा रहा है बेदार। मंडल सुरन कोटू, यहाँ तक अवेयरनेस का प्रोग्राम है SRK ग्लोबल पीस एंड फाउंडेशन पुंछ की तरफ से। सुरन कोट के अंदर कई जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस चीज़ की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को देखते हुए गैर सरकारी तंजीम यशन की जानिब से सरहदी गांव बघियाल धरा में किया गया COVID-19 के दौरान मुफ्त टीबी का कैंप का एहतमाम, मरीजों में किया गया मुफ्त अद्वियात फराहम, COVID-19 के एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी दी गई जानकारी। सामाजिक कारकुन मौलवी फरीद ने की पहुंच आज से बात, एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की आवाम से अपील। और कई बार हमने आवाम को मैसेज भी दिया कि आप जो है वो जो गवर्नमेंट की तरफ से हदायत है उस पर सख्ती से अमल करें, लेकिन बदकिस्मती यह है कि गवर्नमेंट की हदायत पे हमारे जो दूर दराज इलाके के लोग हैं वो अमल नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो है दिन ब दिन हमारे लोग जो है कोरोना का मुबतला हो रहे हैं। तो आप जबकि एक तरफ कोरोना का कह रहा, दूसरी तरफ हमारे मनाता खोर हमारे ही समाज। SSP राजौरी सीमा नबी कस्बा ने राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में जरूरतमंदों में किया राशन तकसीम।
आज हम यहाँ विजिट कर रहे थे, यहाँ अटेंडेंट्स जो जीएमसी में आते हैं उनको भोजन ही प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत काबिल तारीफ इनिशिएटिव है जो किया है, क्योंकि जो भी अटेंडेंट्स आते हैं, काफ़ी लोग बड़े दूर दराज इलाके से जुड़ते हैं, मार्केट्स भी बंद रहते हैं। गैर सरकारी तंजीम मानव सेवा संस्था की जानिब से आरसपुरा में गरीब बच्ची के लिए की गई इमदाद फराहम, दीगर लोगों से भी गरीब बच्ची की शादी में इमदाद करने की अपील। ये रैफर सतवारी है ना, रैफर सतवारी है, ये भैन जी ना विधवा कांता देवी का नाम है। इन्हें बच्चे कई बार मैं फोन किया कि सू मतलब बड़ी परेशानी है, क्योंकि बच्चे का फादर है नहीं है, कोई जमीन नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम इनके को बिल नहीं है। बी डी ऑफिस आरसपुरा में पंचायती सतह पर कायम कोविड केयर सेंटरों के लिए कोविड मैनेजमेंट किट्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किए गए फराहम। गवर्नमेंट की तरफ से हर पंचायत में 5 बेड का कोविड केयर सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, तो उनको पूरा फैसिलिटेट करने के लिए आज यहाँ पे ब्लॉक ऑफिस में जो कोरोना केयर सेंटर है वहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आरसपुरा अनुराधा ठाकुर ने जरा ब्लॉक के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए दी मुफसिल जानकारी। पंपोर में म्युनिसिपल कमेटी की काविशों के बाद सड़क पर तार कोल बिछाए जाने का काम शुरू। मुकामी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की म्युनिसिपल कमेटी का किया शुक्रिया अदा। लोग बहुत खुश है कि ये बहुत सालों के बाद ये दीराना मांग थी तो अब इसमें मैगडम आ गया। पहले भी सरकारें थी, आती थी जाती थी, लेकिन उनके पास हम लोग गए, एक टाइम था बुखारी भी था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और जहूर साहब के पास भी गए, कमिश्नर सेक्रेटरी सारे छान, फिर हम थक गए, फिर हम लोगों ने उन्हें छोड़ दी थी। अब ये साहब आए, याकूब साहब है, डीडी जिला अनंतनाग बिजवेहाड़ा के नाहिया मोहल्ला में आग की वारदात, 2 मकान जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान। ऐसे टेंशन थे